गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम करवा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के कुछ कंपटीशन विंडो यानी कंपटीशन टाइप पॉइंट्स। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के कुछ कंपटीशन टाइप पॉइंट्स, ये मैंने रफ सा पीरियोडिक टेबल ड्रा कर रखा है। यहाँ देखें, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे ग्रुप में तो साइज बढ़ेगा, लेफ्ट तो लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज कम होगा। जरा देखें, जरा टॉप टू बॉटम ध्यान से सुने, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। अच्छा बेटा, अगर साइज बढ़ेगा तो नेचुरल है, साइज बढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। ध्यान से, अगर ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, साइज बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे बढ़िया मेटल, सो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे उसकी खुद की हो जाती है ऑक्सीडेशन, लोगों की करता है रिडक्शन, सो रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज। सो ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना आसान, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी खुद की होती है ऑक्सीडेशन, दूसरों की करेगा रिडक्शन, सो रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा। उसके अलावा इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है आपको मालूम है ऊपर से नीचे, क्योंकि मेटल बढ़ रही है, मेटल ऑक्साइड और बेसिक नेचर, सो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज। यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड घटिया बेस होगा, नीचे वाला हाइड्रोक्साइड बढ़िया बेस होंगे, लिथियम ऑक्साइड घटिया बेस होगा, नीचे वाला ऑक्साइड बढ़िया बेस होंगे, ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेज। अगर साइज डिक्रीज, सब कुछ उल्ट कर दो, साइज डिक्रीज कर गया इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है, अब जिसका साइज छोटा हो गया वो इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा तो नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। दूसरा, जिसका साइज छोटा हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी होती है ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी होती है रिडक्शन, क्योंकि इसकी खुद की रिडक्शन होगी, लोगों की क्या करेगा ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेस। उसके अलावा ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो हैं, क्योंकि इधर नॉन मेटल बढ़ रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एसिडिक इन नेचर, सो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विल बी मोर एसिडिक। मेरा पॉइंट क्लियर है बेटा, शाबाश। इसके अलावा और पॉइंट है कि जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, पहली बात बच्चा पूछता है ऑक्सो एसिड क्या है, वो एसिड जिसमें एच भी हो ओ भी हो, जैसे नाइट्रिक एसिड इसमें एच भी है ओ भी है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें एच भी है ओ भी है, HCl4, ये सारे ऑक्सो एसिड है। जो ऑक्सो एसिड है उनकी स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑक्सो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस अलोंग ए पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन ए ग्रुप। ये सिर्फ ऑक्सो एसिड पे वैलिड है, जो ऑक्सो एसिड है उनकी स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे कम होगी, ऊपर से नीचे कम होगी, जैसे HClO4, HBrO4, HIO4, आपको मालूम है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऊपर से नीचे, अगर ऊपर से नीचे जाओगे एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ऑक्सो एसिड में, अगर लेफ्ट से राइट जाओगे जैसे लेफ्ट से राइट H2SiO3 देन H3PO4 देन H2SO4 देन HClO4, ये देखो सिलिकॉन 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17, लेफ्ट से राइट जाओ तो ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यानी जिसमें ऑक्सीजन भी है और एच भी है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे कम होती है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती है। बेटा ये पॉइंट +1, +2 और कंपटीशन हर जगह काम आएंगे, ये पॉइंट अच्छी तरह से याद कर लेना कि अगर ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा
इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, बाहर निकालना आसान हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, जो जल्दी देगा बढ़िया मेटल, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उसकी खुद की ऑक्सीडेशन लोगों की क्या करेगा, रिडक्शन, वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। और ऑक्साइड, क्योंकि नीचे मेटल बढ़ रही है तो मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, सो ऊपर से नीचे बेसिक करेक्टर बढ़ता है, एसडी करेक्टर कम होता है, लेफ्ट राइट एग्जैक्टली उल्टी। सो ये भी बात, ऑक्सो एसिड हूं इनकी ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है क्योंकि बेसिक बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि बेसिक घटेगी। और जी आगे एक और बढ़िया पॉइंट बता रहा हूं कंपटीशन का, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, एनी एटम, चाहे मेटल चाहे नॉन मेटल, बेटर इज एसिड। बच्चा बोलते ये क्या है, जैसे एक है HNO3, ध्यान से HNO3, एक है HNO2, कोई मेरे को पूछा सर इनमें बढ़िया एसिड कौन सा है, मैंने बोला सेंट्रल एटम, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, जरा देखो H की होती है +1, नाइट्रोजन की निकालना चाहते हैं, वैसे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं भी निकालना आई तो एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन का करेंगे, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा चैप्टर है। सो एच की है +1, नाइट्रोजन निकालना चाहते हैं, एक ओ पे चार्ज -2। बच्चा बोलता है ओ -2 क्यों है, क्योंकि बेटा ओ के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोगों से 2 लेता है, क्योंकि लोगों से 2 लेगा इसलिए चार्ज -2, -2 × 3 है इज इक्वल टू नेट चार्ज 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है। 1 + x - 6 इज 0, x - 5 इज 0, x = 5, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। यहाँ देखें H+1, नाइट्रोजन निकालना चाहते हैं, एक ऑक्सीजन -2 × 2, नेट चार्ज 0। सो 1 + x - 4 इज 0, x - 3 इज 0, x = 3, यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। तो मैंने क्या बोला था, जितनी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतना एसिड बेटर होगा, सो दिस इज बेटर एसिड, नॉट दिस। अब देखें HClO4, HClO3, HClO2, HClO, कौन बढ़िया एसिड, ये देखें यहाँ HClO4, H हो गया बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन ढूंढना चाहते, एक ऑक्सीजन -2 × 4 इज 0, ये x - 7 इज 0, x = 7, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 7। यहाँ देखें 1 + x - 2 × 3 इज 0, यानी x - 5 इज 0, x = 5, यहाँ की क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। यहाँ देखें 1 + x - 2 × 2 इज 0, 1 + x - 4 इज 0, x - 3 इज 0, x = 3, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। और यहाँ देखें 1 + x - 2 इज 0, 1 + x - 2 इज 0, x - 1 इज 0, x = 1, यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 1। सो मैंने क्या बोला था, जितनी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतना बढ़िया एसिड, सो दिस इज द बेस्ट एसिड, जितनी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतना एसिड बढ़िया होगा। मेरी बात क्लियर, ठीक है जी। सो बाकी आपको मालूम है, ऊपर से नीचे ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ कम होती है, लेफ्ट टू राइट ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है जी। ये ऑर्डर देख लेना। और बताता हूँ, कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं, वैसे इसकी फिर मैंने एग्जांपल दिए, एक HClO4 है, एक H2SO4 है, एक HClO4 H2SO4, एक है H3PO4, एक है H2SiO3। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे भी कह सकते हैं, इसमें क्लोरीन 7 आएगी, इसमें सल्फर 6 आएगा, फास्फोरस 5 आएगा, 4 आएगा, ये बेटर एसिड हो गया। अदरवाइज भी ये लेफ्ट टू राइट, क्योंकि सिलिकॉन 14, 15, 16, 17, लेफ्ट टू राइट ऑक्सो एसिड बेटर एसिड होते हैं। सो लेफ्ट टू राइट के हिसाब से भी ये बेटर एसिड, मेरे को ऐसा लिखना चाहिए था, H2SiO3 14 एटॉमिक नंबर, H3PO4 15 एटॉमिक नंबर, H2SO4 16 एटॉमिक नंबर, HClO4, ये लेफ्ट टू राइट है, इसलिए एसिडिक करेक्टर इंक्रीज। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा इसलिए भी बड़ी एसिड, लेफ्ट टू राइट इसलिए भी बड़ी एसिड, ठीक है जी। अगर मैं यही ऑक्साइड लिखूँ, सेम फैक्टर ऑक्साइड, ये है मेरे पास सोडियम ऑक्साइड,
दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, चौथा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, पांचवा है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, छठा है SO3 या SO2, सातवां Cl2O7। बेटा फिर वही बात, लेफ्ट टू राइट, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। रिमेंबर, लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड या ऑक्सो एसिड का एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि ये लेफ्ट में 11, ये 12, ये 13, लेफ्ट टू राइट ऑक्सो एसिड का एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है। कुछ ऑक्साइड पुत्र जी न्यूट्रल होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ना एसिड ना बेस, NO ना एसिड ना बेस, N2O लाफिंग गैस, ना एसिड ना बेस, H2O, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। ये चार न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, वैसे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, लेकिन ये कुछ न्यूट्रल भी हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल हैं। अब मैं बात करूँगा स्टेबिलिटी। देखो बेटा, एक है लिथियम, एक है सोडियम, एक है पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। कार्बोनेट बनाना, कार्बोनेट होता -2, क्या फार्मूला बना, लिथियम कार्बोनेट, ऐसे ही बना सोडियम कार्बोनेट, एक बना पोटाशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। मैं पूछूं में कौन स्टेबल है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, बेटा कार्बोनेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े को बहुत छोटा सा नहीं संभाल सकेगा, इसलिए ये लिथियम बहुत छोटा है, इसकी औकात ही नहीं कि कार्बोनेट को संभाल सके, टूट जाएगा, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, एंड दिस इज मोस्ट स्टेबल। लिथियम इतना छोटा है कि इतने बड़े कार्बोनेट को नहीं संभाल सकता। ऐसे ग्रुप टू में बेरिलियम कार्बोनेट, देन मैग्नीशियम कार्बोनेट। बच्चा कहता है इसके पैरों में दो क्यों डाला, क्योंकि बेरिलियम होता है +2, कार्बोनेट होता है -2, कट गए। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, इनमें भी वही बात है, बेरिलियम छोटा है, इसकी औकात ही नहीं इतने बड़े कार्बोनेट को संभाल सके, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल। सो ग्रुप 1 और 2 के कार्बोनेट की ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है। एक बढ़िया पॉइंट कर रहा हूं सॉल्युबिलिटी का, बेटा ध्यान से रख लेना अच्छी तरह से। ग्रुप 1 है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 1 का चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे सल्फेट हो, ग्रुप 1 का कुछ भी हो, सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगी। ग्रुप 1 का कुछ भी हो, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ग्रुप टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, अगर तो हाइड्रोक्साइड हो तो ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सेम ग्रुप 1 में हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट कोई भी हो, ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रुप 2 में हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज करेगी, लेकिन कार्बोनेट और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करती है। ये रट लेना अच्छी तरह से। किसी टाइम ये सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, लेकिन आज कंपटीशन में आज भी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 में चाहे हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, चाहे हो कार्बोनेट, चाहे हो सल्फेट, ग्रुप 1 का चाहे हाइड्रोक्साइड, चाहे कार्बोनेट, चाहे सल्फेट, ऊपर से नीचे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ग्रुप 2 में हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन कार्बोनेट सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे कम होगी। कार्बोनेट सल्फेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, ग्रुप 2 के कार्बोनेट सल्फेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैं पूछूँ कौन बड़ा है, आपने कहना सीजियम बड़ा है, लेकिन अगर साथ में एक्वस डाल दे पानी में, वैसे सबसे बड़ा सीजियम है, लेकिन एक्वस सबसे बड़ा लिथियम है, फिर सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबिडियम, ऐसा क्यों? वैसे लिथियम सबसे छोटा है, लेकिन लिथियम आयन सबसे छोटा है, लेकिन पानी में लिथियम आयन सबसे बड़ा है। एक्चुअली लिथियम सबसे छोटा था, छोटा होने का कारण छोटी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज है, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हर तरफ से ज़्यादा पानी को खींचेगा। लिथियम छोटा होने का कारण छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज था, सो छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज, इफेक्टिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए जैसे ना एक छोटी फैमिली, दो जने हस्बैंड वाइफ, उनकी सैलरी 2 लाख है, एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, उनकी सैलरी 2 लाख है, तो बेशक सैलरी दोनों की बराबर है, लेकिन इफेक्टिव सैलरी हस्बैंड वाइफ वाले ग्रुप की ज़्यादा है। सो अगर छोटी सी जगह पर चार्ज इकट्ठा होगा तो इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा होगा। यहाँ इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा था, इसने ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींच लिया, इसलिए ज़्यादा पानी खींचने के कारण ज़्यादा बड़ा हो गया।
वैसे लिथियम आयन छोटा है, लेकिन पानी में लिथियम आयन बड़ा होता है, क्योंकि लिथियम आयन छोटी सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इफेक्टिव चार्ज बहुत बढ़ गया। सिर्फ हस्बैंड वाइफ को 2 लाख मिल रहे थे, इधर 10 बंदों को 2 लाख मिल रहे थे। अब हस्बैंड वाइफ दो जनों के पास 2 लाख है, उनकी खरीदने की या खींचने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। सो जितना इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा पानी को खींचेगा, क्योंकि ज़्यादा पानी को खींच लिया ज़्यादा बड़ा हो गया। सो वैसे लिथियम पॉजिटिव छोटा है, लेकिन पानी में लिथियम पॉजिटिव आयन इनमें सबसे बड़ा होता है, ऐसे ग्रुप 2 में। वैसे बेरिलियम 2 पॉजिटिव सबसे छोटा होना चाहिए, और मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, वैसे सबसे छोटा ही सबसे बड़ा वो, लेकिन पानी में सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है जी। ध्यान से एक और बात, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, NaF का ज़्यादा होता है NaCl से, NaCl का ज़्यादा होता है NaBr से, NaBr का ज़्यादा होता है NaI से, NaF का ज़्यादा होता है NaCl से, NaCl का NaBr से, NaBr का NaI से, क्योंकि फजान रूल, मोर आयनिक मोर मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ एनायन बड़ा है, एनायन बड़ा, स्मॉलर कैटायन बिगर एनायन, मोर कोवलेंट, ये ज़्यादा कोवलेंट है, ये ज़्यादा आयनिक, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। लेकिन यही क्लोराइड हो तो उसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, NaCl मोर देन KCl, मोर देन रुबिडियम क्लोराइड, मोर देन सीजियम क्लोराइड, मोर देन लिथियम क्लोराइड। यहाँ एक एक्सेप्शन है, लिथियम क्लोराइड यहाँ होना चाहिए था, लेकिन लिथियम क्लोराइड वहाँ चला गया। सबसे ज़्यादा NaCl, फिर KCl, फिर रुबिडियम क्लोराइड, फिर सीजियम क्लोराइड, ठीक है जी। ये सबसे ज्यादा मेल्टिंग है, इसमें कारण लेटी सिनर्जी का, पर चलो ये आपने रट्टा ही लगाना, इसको ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना। मैंने बोला था ऊपर से नीचे बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है, ऊपर से नीचे बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है, लेकिन ध्यान देना, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं, बेटा ऊपर से नीचे बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है ऑक्साइड का या हाइड्रोक्साइड का या ऑक्सो एसिड का, जिसमें ओ लगा हो, ऊपर से नीचे बेसिक करेक्टर उसका इंक्रीज करेगा जिसमें ओ लगा हो। अगर ओ नहीं लगा, जैसे ग्रुप 17 की बात करूं, HF, HCl, HBr, HI, अब मैं बोलूं कौन बढ़िया एसिड कौन बढ़िया बेस, आपने कहना सर आपने बोला था नीचे वाला बढ़िया बेस होता है, नीचे वाला बढ़िया बेस तब होता है अगर साथ में ओ भी लगा हो, ऑक्सो एसिड हो, ठीक है। यहां क्या है, ऊपर से नीचे HF, HCl, HBr, HI, ऊपर से नीचे बॉन्ड बड़ा हो गया, बड़ा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, एच जल्दी देगा, जो जल्दी एच दे वही अच्छा एसिड, वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी आम एसिड में ऊपर से नीचे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, ऑक्सो एसिड में ऊपर से नीचे एसिडिक करेक्टर कम होगा। यानी HF, HCl, HBr, HI, HI सबसे बढ़िया एसिड, अगर साथ में ओ भी लग जाता तो ये सबसे बढ़िया हो जाना था, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप 16 पानी, H2S, H2SE, H2TE, ऊपर से नीचे आम एसिड है, ऑक्सीजन सल्फर से, ऊपर से नीचे देखो ना, ये है OH, ये है SH, ये है SCH, ये है TEH, ऊपर से नीचे बॉन्ड लंबा हो जाएगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, एच जल्दी देगा, एच जल्दी देगा बढ़िया एसिड, सो ऊपर से नीचे एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। सो इनका ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज करेगा, एसिडिक करेक्टर भी। यानी मैं कहना चाहता हूँ, अगर ग्रुप 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17, ग्रुप 14, 15, 16, 17, इनके हाइड्राइड, हाइड्राइड मीन्स अगर इनके साथ एच लगा हो, इनके हाइड्राइड का ऊपर से नीचे एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग करेक्टर भी बढ़ेगा। यानी ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम, ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग करेक्टर एंड एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस। मैं फिर बात बोल रहा हूं, आपने बोला सर कभी बोलते हो ऊपर से नीचे बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, कभी बोल रहे हो ऊपर से नीचे एसिडिक करेक्टर बढ़ रहा है। अगर ऑक्साइड हो या वो एसिड उसमें ओ भी लगा हो, उसमें ऊपर से नीचे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे बेसिक करेक्टर बढ़ेगा। लेकिन अगर अकेला हाइड्राइड एसिड सिर्फ एच वाला, तो ऊपर से नीचे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। सो ग्रुप 14 का हाइड्राइड चाहे 15, चाहे 16, चाहे 17, ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग करेक्टर भी बढ़ेगा और इनका एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा। दुनिया में सबसे पहला सिंथेटिक एलिमेंट था टेक्नीशियम,
टेक्नीशियम किसी जमाने में अर्थ में होता था, धीरे धीरे गायब हो गया। ये पहला सिंथेटिक एलिमेंट भी है और ये ट्रांजिशन मेटल में सिंथेटिक एलिमेंट है। ट्रांजिशन मेटल में दुनिया में सिर्फ यही सिंथेटिक एलिमेंट है टेक्नीशियम। इसको डायनासोर बोलते हैं क्योंकि जैसे डायनासोर गायब हो गया, ये कभी होता था अब गायब हो गया। सो पहला सिंथेटिक एलिमेंट और ट्रांजिशन डी ब्लॉक में इकलौता सिंथेटिक एलिमेंट ये है। प्रोमिथियम, प्रोमिथियम सारे लेंथेनाइड में ये सिंथेटिक है, लेंथेनाइड में ये सिंथेटिक है और यूरेनियम के पास सारे सिंथेटिक हैं, यूरेनियम के पास सारे सिंथेटिक हैं, ठीक है। लेकिन यूरेनियम के पास बेशक सारे हमने खुद बनाए, लेकिन नेपच्यूनियम प्लूटोनियम फिर भी हमें ओर में मिल जाते हैं। इसलिए टोटल नेचुरल एलिमेंट 94 है, जो एलिमेंट नेचर ने क्रिएट किया वो 94 है, उसके बाद जितने भी हमने खुद बनाए। यहां से जो दुनिया में पहला एलिमेंट हमने क्रिएट किया वो एक डी ब्लॉक वाला था ट्रांजिशन, जो पहला लेंथेनाइड हमने क्रिएट किया दैट वाज प्रोमिथियम। यूरेनियम के पास सारे हमने क्रिएट किए, लेकिन यूरेनियम के पास दो बेशक हमने क्रिएट किए पर बाद में पता चला ये नेचर में भी किसी और में मिलते हैं, इसलिए टोटल नेचुरल एलिमेंट 94 है, ठीक है पुत्र जी। अच्छा मरकरी, अब इंपॉर्टेंट मर्सी, मरकरी इकलौती मेटल है जो लिक्विड है। कोई एक मेटल जो लिक्विड वो मरकरी है, जो नॉन मेटल लिक्विड है दैट इज ब्रोमीन, जो नॉन मेटल लिक्विड है दैट इज ब्रोमीन। बच्चा कहता सर सीजियम भी तो लिक्विड था, बेटा सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 302 केल्विन, यानी सीजियम लिक्विड बनेगा 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हम उसको लिक्विड मानते हैं जो 25 पे लिक्विड हो। सो ये सीजियम अब इंडिया में आजकल के दिनों में लिक्विड ही होगा, लेकिन ये लिक्विड बनता 29 में, सर्दियों में लिक्विड नहीं होगा, हम उसको लिक्विड मानते हैं जो 25 डिग्री पे लिक्विड हो, इसलिए ये लिक्विड नहीं है सीजियम, ठीक है। ऐसे फ्रांसियम, ये लिक्विड है 300 केल्विन यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25 पे लिक्विड नहीं है। सो लिक्विड मेटल के लिए मरकरी है, ये लिक्विड जल्दी बन जाते हैं, लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन, ठीक है। यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स थे, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट थे उनमें सबसे पहला एलिमेंट था नेपच्यूनियम। यूरेनियम के बाद सबसे पहला एलिमेंट नेपच्यूनियम, ये बनाया था मैकमिलन एंड एबल्सन ने, मैकमिलन एंड एबल्सन ने नेपच्यूनियम बनाया था। उसके बाद जो एलिमेंट हैं बाकी सारे काफी सारे वो सीबोर्ग ने बनाए थे, सीबोर्ग ने, पहला मैकमिलन एबल्सन ने, बाकी सारे सीबोर्ग ने बनाए थे, सीबोर्ग, ठीक है जी। अब मैंने बताई दिया टेक्नीशियम को डायनासोर भी बोलते हैं क्योंकि सृष्टि से ऐसे ही गायब हो गया जैसे कभी डायनासोर गायब हुए थे, ये रेडियो एक्टिविटी के कारण गायब हो गया। सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है बेटा, पॉजिटिव उसकी होगी जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। सबसे ज्यादा कौन नहीं लेना चाहता, नोबल गैस, और नोबल गैस कौन सी नहीं लेना चाहिए जो सबसे छोटी है, ठीक है। वैसे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हीलियम की होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नियॉन की। क्यों? क्योंकि हीलियम बिल्कुल ही छोटा, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के छोटे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो नए इलेक्ट्रॉन को जबरदस्त रिपेल करेंगे, इसलिए नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आम बच्चा आंसर देगा हीलियम, हीलियम के नहीं बेटा, नियॉन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। नियॉन हैज मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नियॉन की सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि ऑक्सीजन बेशक छोटा है, क्योंकि छोटा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से नजदीक आएगा, न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, इसकी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन छोटे से दूसरे खाने में 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये 6 एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, छोटे से दूसरे खाने में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, नए को और रिपेल करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए थी अपने खानदान में, लेकिन छोटे से दूसरे में शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उन्होंने मारा धक्का, नए इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे तो न्यूक्लियस कम खींच पाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव हो गई, कम नेगेटिव इतनी अपने खानदान में सबसे कम नेगेटिव हो गई। जिस दिन मैं लेक्चर पढ़ा रहा था एक बच्चे ने बोला सर अगर ऑक्सीजन में रिपेल करेंगे तो सल्फर में भी तो रिपेल करेंगे, उसके भी दूसरे खाने में 6 इलेक्ट्रॉन है। बेटा ऑक्सीजन के दूसरे खाने में 6 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, सल्फर के दूसरे में भी 6 वो रिपेल नहीं करेंगे, क्योंकि सल्फर का दूसरा खाना बड़ा है, ऑक्सीजन का खाना छोटा है। सोचो एक छोटे से बेंच पे 5 बच्चे फंस के बैठे हुए हैं, अब फंस के बैठे हुए एक दूसरे धक्का मारे, छठा आएगा उसको धक्का ही पड़ेगा। एक बहुत बड़े बेंच में 5 बच्चे बैठे हैं तो बेंच में एक बच्चा खाली है तो कोई आके बैठ सकता है। सो बेशक ऑक्सीजन के भी दूसरे खाने में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में भी 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सल्फर के वैलेंस शेल काफी बड़ा होता है। ये देखो सल्फर का वैलेंस शेल बहुत बड़ा है, इसलिए उसके पास जगह है। सो ऑक्सीजन के दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, नया इलेक्ट्रॉन नजदीक आएगा, इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, पर छोटे से खाने में 6 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, नया इलेक्ट्रॉन कोई धक्का पड़ा, धक्के कारण न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर पाया,
कम अट्रैक्ट कर पाया, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव है। ऑक्सीजन की इतनी कम नेगेटिव है कि ऑक्सीजन की सल्फर सेलेनियम सारे खानदान से कम नेगेटिव होगी। ठीक है, कौन सा एलिमेंट इसका नाम रिवर के नाम पे पड़ा? रहीनियम। इसका नाम रिवर राइन रिवर के नाम से पड़ा। राइन ये यूरोप में चलती, स्विट्जरलैंड में है और भी कंट्रीज में है। रिवर राइन के नाम पे रहीनियम का नाम पड़ा। थैलियम को डकबिल प्लेटिपस बोलते हैं। थैलियम करने की जरूरत नहीं आपको, थैलियम को डकबिल प्लेटिपस बोलते हैं क्योंकि इसका करेक्टर तक यही तरह के दोगले हैं। सबसे छोटा कटायन दुनिया में एच पॉजिटिव है। एच पॉजिटिव सबसे छोटा कटायन है। एफ नेगेटिव सबसे छोटा एनायन है। सीजियम पॉजिटिव सबसे बड़ा कटायन है। वैसे फ्रांसियम इससे बड़ा है पर वो रेडियोएक्टिव होता है। हाँ, अगर फ्रांसियम दिया होता हम फ्रांसियम लोग लेंगे, अदरवाइज सीजियम पॉजिटिव सबसे बड़ा कटायन है और आई नेगेटिव सबसे बड़ा एनायन है। स्टेबल, जो स्टेबल की बात करो, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे, इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव क्लोरीन की है। इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा फ्लोरीन है दुनिया में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम। हाँ, अगर फ्रांसियम दिया हो तो वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पर मैं स्टेबल की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? छोटा और नोबल गैस हीलियम। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन हीलियम की है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी दुनिया में सबसे कम है, 4.2 केल्विन। हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। ठीक है जी, जो कॉइनेज मेटल है कॉपर सिल्वर गोल्ड, उनमें कॉपर की आयोनाइजेशन सिल्वर से ज्यादा, सिल्वर की गोल्ड से कम है। ये आपके काम का नहीं है वैसे। सबसे डेंस एलिमेंट, सबसे भारी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में इरिडियम है। सबसे डेंसेस्ट इरिडियम है सॉलिड में। लिक्विड में सबसे डेंस मरकरी है। अगर मरकरी में छलांग लगा डूबना मुश्किल हो जाएगा। टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स में टंगस्टन का है, नॉन मेटल में डायमंड का है। ठीक है, सबसे डेंस मेटल इरिडियम, सबसे डेंस सॉलिड इरिडियम है, सबसे डेंस लिक्विड मरकरी है। कौन सी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा? टंगस्टन में, इसलिए इसको बल्ब में इस्तेमाल किया जाता था। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और नॉन मेटल में डायमंड का सबसे ज्यादा है। अगला पॉइंट मैंने बोला हुआ है कि अगर दो आयोनाइजेशन एनर्जी में 1450 किलो जूल या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप हो, कभी भी दो आयोनाइजेशन एनर्जी में इससे ज्यादा का गैप हो, तो समझ लो नोबल गैस बन चुका है, अगला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालना। पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम। और सबसे बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता? ऑस्मियम प्लस 8। एटॉमिक नंबर 100 है फर्मियम। 100 के बाद वाले जो एलिमेंट है वो बहुत हैवी होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं सुपर हैवी एलिमेंट। फ्लोरीन को बोलते हैं सुपर हैलोजन क्योंकि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको सुपर हैलोजन भी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा आइसोटोप किसके हैं? सबसे ज्यादा आइसोटोप है टिन के, 14। टिन के 14 आइसोटोप है। हाइड्रोजन को रोग एलिमेंट बोलते हैं, ठग एलिमेंट, क्योंकि इसके कोई करेक्टर 1 के साथ मिलते हैं, कोई करेक्टर 17 के साथ मिलते हैं। मैं पूछूं आपसे, इनर्ट मेटल कौन सी है जो आपके मामा डालनी पसंद करते हैं? गोल्ड या प्लैटिनम। गोल्ड या प्लैटिनम इनर्ट है क्योंकि ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इनका कलर वगैरह चेंज नहीं करता। सो इनर्ट मेटल है गोल्ड प्लैटिनम। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? चांदी। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। अब आपके मन में आता होगा कि अगर सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है तो सरकार सारी बिजली की तारें चांदी की क्यों नहीं लगवा देती? बहुत बिजली बच जाएगी क्योंकि बाकी तारों में, क्योंकि वो बेटर कंडक्टर नहीं, बिजली वेस्ट होती है, तो सिल्वर में कम वेस्ट होगी, तो चांदी की तारें लगा देनी चाहिए। बेटा अगर चांदी की तारें लगाई ना तो सारी बिजली बच जानी है। बहुत सारे लोग हैं जो चांदी की तारें उतार के ले जानी, अदरवाइज सिल्वर इज बेटर कंडक्टर। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को ब्रिजिंग एलिमेंट बोलते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को ब्रिजिंग एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि याद रखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ब्रिज बना रहे हैं, इनको ब्रिजिंग एलिमेंट बोलते हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को ब्रिजिंग एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिज बनाते हैं, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इसके अगर ब्रिजिंग एलिमेंट। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं।
थर्ड पीरियड के एलिमेंट का टिपिकल एलिमेंट, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने परिवार में सबसे छोटा बच्चा है, उसके करेक्टर तो खानदान से मिलते नहीं। सो खानदान का करेक्टर देख रहे हो तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट को देखते हैं, इसके थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। अगली बात बेटा, कुछ एलिमेंट के नाम कंट्री के नाम पे पड़े, जैसे रुदीनियम रशिया, अमेरिशियम अमेरिका, जर्मेनियम जर्मन, पोलोनियम पोलैंड, इंडियम इंडिया के नाम पे नहीं है, ठीक है जी, पोलोनियम इज पोलैंड। अगला हेडिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये हमने इस चैप्टर में नहीं करवाना। अगला पॉइंट, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है पीरियड टेबल वॉल्यूम के सेंस में, वॉल्यूम के सेंस में सबसे छोटा हीलियम है। किस पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो पीरियड अभी चल रहा है, नया बन रहा है, सेवंथ पीरियड, क्योंकि जितने नए एलिमेंट बन रहे सारे रेडियो एक्टिव है। सो किस पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सेवंथ पीरियड में। सबसे ज्यादा कंपाउंड कौन सा एलिमेंट बनाता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड बच्चे आमतौर पर बोलते कार्बन बनाता है, नहीं, सबसे ज्यादा कंपाउंड हाइड्रोजन बनाता है, क्योंकि हर कार्बन के कंपाउंड में हाइड्रोजन भी होता है, सबसे ज्यादा कंपाउंड हाइड्रोजन बनाता है। कितने नेचुरल एलिमेंट है, मैं बोल ही चुका हूं, टोटल 94 नेचुरल एलिमेंट है। मैंने बोला था ना एमके हाइपोथेसिस कि बिगर शेल बिगर साइज, पर मेरे से कमी है, बड़ी जबरदस्त कमियां हैं, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी लेकिन कमी है, क्योंकि मैं आप सबसे बड़ी कमी बताता हूं कि लिथियम अल्कली मेटल में सबसे छोटा है, 1s2 2s1, लिथियम सबसे छोटा है फिर भी सारे हैलोजन से बड़ा है। अब आयोडीन 5s2 5p5 से बड़ा है, यानी लिथियम सबसे छोटा अल्कली मेटल है लेकिन सारे हैलोजन से बड़ा है, ठीक है जी। एक और पॉइंट बेटा, लिथियम से सीजियम ऊपर से नीचे बेटा डेंसिटी इंक्रीज करती है, ऊपर से नीचे डेंसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन सोडियम के अचानक पोटेशियम से ज्यादा होती है। ऊपर से नीचे रट लेना बस इसको, ऊपर से नीचे डेंसिटी इंक्रीज करती है, पता क्या ऊपर से नीचे डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम बेटा, ऊपर से नीचे मास भी बढ़ता है वॉल्यूम भी बढ़ता है, पर मास ज्यादा बढ़ रहा है, मास ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए डेंसिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में मास उतना नहीं बढ़ रहा जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो आपने सिर्फ इतना याद रखना कि अल्कली मेटल में ऊपर से नीचे डेंसिटी बढ़ती है, एक्सेप्शन है सोडियम पोटेशियम, कि पोटेशियम की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन सोडियम की ज्यादा होती है। क्लोरीन और नाइट्रोजन में क्या सेम है, आमतौर पर आता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3, नाइट्रोजन की भी 3, क्लोरीन और नाइट्रोजन का क्या सेम है, दोनों की बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, देखो पूरे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट नाइट्रोजन है, लेकिन अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंट, अर्थ में मैक्सिमम जगह पे या पानी है या रेत है, इसलिए सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन है, अर्थ पे सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है। और अर्थ पे सबसे अबंडेंट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम। सो जड़ी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज एल्यूमिनियम, और सबसे ज्यादा अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक वाली मेटल कौन सी है, आयरन। सो अर्थ पे सब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, अर्थ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा मेटल जो मिलती है वो एल्यूमिनियम है, और सबसे ज्यादा ट्रांजिशन मेटल जो मिलती है दैट इज आयरन, ठीक है। इसके साथ ही पीरियोडिक टेबल की कंपटीशन विंडो खत्म होती है, ठीक है पुत्र जी। अब आपका काम क्या है, आपने मेरे को एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक जो आपको दे रखी है एनसीईआरटी एक्सटेंट, उसके डाउट्स मेरे को भेजने हैं ताकि मैं एक वीडियो उसका भी आपको डाल सकूं। आपने डाउट सिर्फ पेज नंबर क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख के भेजना, पेज नंबर ये क्वेश्चन 5-6 ऐसे लिख के, पेज नंबर ये क्वेश्चन नंबर ऐसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है यानी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट, उसके आपने मेरे को डाउट लिख के भेजने हैं। बेटा ये जो करवाई कंपटीशन विंडो है, इसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 79 और 80 में, इसको अच्छी तरह से पढ़ना, अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो मेरे को बता देना, कल मैं फिर रिपीट कर दूंगा, पर इसको बार बार सुनना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएंगे। थैंक यू पुत्र जी।